हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर का ड्राइंग कैसे देखते हैं, इरेक्शन कैसे करते हैं, इरेक्शन का ड्राइंग कैसे देखा जाता है और इसमें व्यू कैसे देखा जाता है, वही मैं आपको बेसिक डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक बैक साइड का व्यू है और ये सामने का ये व्यू है, और ये दोनों जो दिख रहा है ये दोनों साइड का है, इस साइड का और एक इस साइड का। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कहाँ का है, कौन आगे का है, कौन पीछे का है, कौन लेफ्ट का है, कौन राइट का है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब एलिवेशन है, इसका हाइट कितना है उसके बारे में बताता है कि ये कितने कितना हाइट पे क्या क्या लग रहा है। ये जो प्लस में दिखाता है, प्लस 47 मीटर, प्लस 42 मीटर, प्लस 41 मीटर, ऐसे ये सब एलिवेशन है। ये जो है आपको जीरो एलिवेशन है, इसलिए इसमें प्लस नहीं है। 39 मीटर 300, यानी कि 39 मीटर 300 mm, ये जीरो एलिवेशन हो गया। और यहाँ से प्लस में सब चलते जा रहा है, जिसमें यहाँ से और यहाँ तक का हाइट मिनिमम मान के चलिए कि 6 मीटर का हाइट है। यहाँ पे 39 और यहाँ पे 45 है, यानी कि 6 मीटर की, 6 से 7 मीटर का दूरी है। और इसमें और इस साइड वाले ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इसका यहाँ पे बी लिखा हुआ है और ये कॉलम पे ए लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस साइड का जो ए वाला कॉलम है, ये इस साइड का अगर हम व्यू देखेंगे कि किस तरीके का डिजाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये व्यू इस साइड का है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है जो, और ये जो बी लिखा हुआ है ये जो है इस साइड का है, ये देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है। और इसका जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस साइड में जो एक पाइप सपोर्ट के लिए लगाया गया है, प्लेटफॉर्म बना है, साइड प्लेटफॉर्म छोटा सा, तो उसका जो इसमें अगर हम देखेंगे किधर व्यू दिखा रहा है, बीम का व्यू दिखा रहा है सामने से कोई एक दो, और ये नीचे जो एंगल का जो सपोर्ट लगा हुआ है ये वाला, वही यहाँ पे दिखा रहा है। और एक चीज है इसमें, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर में जाके यहाँ पे एक बीम लगा हुआ है ऊपर में, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में ये बीम का व्यू दिखा रहा है सामने से, फेस का व्यू है बीम का। और इसमें एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे जो बीम का ये जो कनेक्शन रहेगा ये वाला, ये सब 1 2 3 4, तो वही यहाँ पे दिखाता है ये सब जो बोल्टिंग हुआ है ये सब। और ये सब जो चैनल जो देख रहे हैं आप, चैनल लगा हुआ है 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो देखिए साइड में लगा हुआ है सब 1 2, ये जो सामने सामने है तो इसीलिए एक ही नज़र आता है, और जो इसके सामने नहीं है तो एक ही नज़र आता है, तो 1 2, इसको भी 3 और ये 4, 4 चैनल का व्यू इसमें ये वाला जो लगा हुआ है यहाँ पे शो करता है ये सब। और इसमें ये सब जो लगा है इसको ब्रेसिंग कहते हैं ये सब, और ये बीम हो गया। इसमें इरेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये चार कॉलम को पहले इरेक्शन करना है, ये दो और ये दोनों को, तो सबसे पहले मान लीजिए कि इस तरीका का, मान लीजिए कॉलम का जो बेस प्लेट होता है जिसके ऊपर बोल्टिंग होता है, तो वो इस तरीका का रहता है, मान लीजिए ड्राइंग वगैरह भी आता है, या फिर मान लीजिए साइड पे इस तरीका का है, तो मान लीजिए कि ये इस तरीका का नंबर लिखा हुआ रहेगा ड्राइंग में कि इतना नंबर का यहाँ पर लगाना है, इतना नंबर का यहाँ पे लगाना है, ये फलाने नंबर का यहाँ पे इतना लगाना है, तो उसी तरीके से इस ड्राइंग में सबका नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा और इसको जूम कर दे रहा हूँ, APLA 801C1, और यहाँ पे C2 है, और इसमें यहाँ पर है ये वही नंबर है सेम, यहाँ पे C4 और C3, इसमें ये कॉलम का है C3 और C4 और C1 और C2, इस तरीके से यहाँ पे हम ले जाके इस कॉलम पे मान लीजिए C1 C2 C3 और C4 हम लगा देंगे। मान लीजिए चार कॉलम पे हमने खड़ा कर दिया C1 C2 3 और 4, अब इसमें एक एक ये सब जब अगर लगाना हो तो वो भी सबका भी नंबर देता है, कौन से नंबर का बीम कहाँ पे लगाना है। तो मान लीजिए कि ये इस तरीके से ड्राइंग दे दिया और इसका लंबा दे दिया, इतना लंबा बीम जो है आपको इतना नंबर कॉलम में जोड़ना है, ये इसका नंबर तो है आपका ड्राइंग में कितने नंबर का कॉलम में, ये APLA 801-01, तो ये कॉलम यहाँ पे इतने नंबर एलिवेशन पे इरेक्शन करना है, फिर ये जो बीम है इसका यहाँ पे नंबर दे दिया है, फिर ये सब जितने ब्रेसिंग है ये सब का भी नंबर दिया हुआ है, कौन से नंबर का कहाँ पे इरेक्शन होगा, तो मटेरियल पे सब पे लिखा हुआ रहता है नंबर वगैरह जितना रहता है, ये सब जितना बीम है और ये सब पाइप का सपोर्ट है जितना, वो सब का नंबर भी
दिया हुआ रहता है कौन सा नंबर कहाँ पे लगेगा। इस तरीका से हम चार कॉलम खड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो नंबर जो दिया हुआ है ये जो साइड वाला जो व्यू दे रहा है इधर का, तो मान लीजिए कि इधर का जो कॉलम में जो जो सेट हो रहा है इस साइड का, तो ये देखिए ये दो नंबर है, ठीक है, ये दो नंबर कॉलम से जुड़ रहा है, ये रहा हो गया ये दो नंबर कॉलम, और ये एक नंबर कॉलम जो दे रहा है इसमें कॉलम में जुड़ रहा है ये वाला इस तरफ का, तो इस तरफ का कॉलम जो ये है पूरा फेस एक साइड का ये दिखा रहा है। तो और ये जो आप देख रहे हैं बी नंबर का जो ये कॉलम है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है बी और यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ये देखिए बी और ये बी, तो ये जो है ये जो लीडर जो लगा हुआ है ये लीडर के देखिए यहाँ पे जो चैनल है एक दो चैनल पे सेट है ये सिर्फ। तो यहाँ पे आप देखिए ये पहला चैनल जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है आपको सी की तरह, यहाँ पे देखिए ये सी चैनल है, और दूसरा ये जो चैनल लगा हुआ है सी चैनल यहाँ पे ये वाला दिखा रहा है, ठीक है, ये तो इसी में ये वाला जो है ये जो कॉलम खड़ा है इस साइड का ये पूरा सेट इस साइड का हो गया। इस तरीका से हम पहचान सकते हैं ये बी कॉलम हो गया। यहाँ पे तो साफ साफ लिख दिया है कि ये जो बी है ये इस तरफ का ये बी वाला कॉलम रहेगा और इस तरफ का जो ए वाला जो कॉलम है वो ए वाला कॉलम रहेगा ए का। तो अब इसमें ये जानना है कि ये जो इस तरफ का जो कॉलम है इसमें पीछे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट में जो दिख रहा है ये बीम लगा हुआ है सामने में, तो यहाँ पे देखिए जब सामने जब जाएंगे हम तो इस तरीका से ये जो बीम जो लगा हुआ है वो हम देख सकते हैं कि इस तरफ का ये दिखा रहा है। और पीछे साइड में जो कॉलम जाएगा वो दो नंबर कॉलम मतलब दो नंबर का ये जो रहेगा पीछे साइड में रहेगा, तो ये है दो नंबर ये है तो ये पीछे चला जाएगा और ये जो है आगे रहेगा, मतलब अगर हम सामने खड़े हैं तो ये जो है हमारा फ्रंट में ये रहेगा और बैक साइड में दो नंबर का ये पीछे चला जाएगा। इस फुटेज में जो मैं आपको दिखाया ये देखिए तीन और चार ये वाला इधर पीछे चला गया और एक और दो आगे आ गया, तो उसी तरीके से इसमें है ये जो नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं इसमें है तीन सी थ्री और सी फोर ये पीछे चला जाएगा और ये जो है सी वन और सी टू ये आगे वाले कॉलम में खड़ा होगा। किस तरीके से होगा, इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए वाला जो कॉलम रहेगा साइड से जो जितना भी सब लगेगा जितना भी इसमें बीम लगाना हो इस तरीका से, तो ए वाले के साइड पे सब लगते जाएगा और बी वाले के साइड पे ये सब लगेगा और वन वाले के साइड में ये सब लगेगा बीम वगैरह और टू वाले बीम के तरफ लगेगा इस तरीका से इसमें जो दिखा रहा है। ये जो दो बीम लगाना हो तो इसका भी ये सब नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम उठाएंगे और वन वाले के सामने हम ये दोनों लगा देंगे और उसी तरीका से ये जो दो नंबर में इस नंबर का हम उठा करके ये लगा देंगे इसमें, ये दो नंबर में आएगा इसमें पीछे वाले चला जाएगा। और ए में और बी में क्या क्या लगेगा, देखिए ए का ये जितना है ये सब नंबर बाई नंबर दिया हुआ है, अब तो आपको समझ में आ गया, एक एक हम उठाएंगे ये सब बीम जितना है ए वाले साइड में हम लगाते जाएंगे। ए साइड हमारा किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है इसमें, ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी है इस साइड में आ रहा है ए, इस साइड पूरा हम लगाते जाएंगे। और बी वाले साइड में अगर हमको लगाना है तो फिर हम ये सब बी वाला मटेरियल जितना है इसमें ये सब नंबर देखेंगे क्या क्या इसमें नंबर है, नंबर के हिसाब से एक एक सब बीम हम उठा के सब बी के साइड में लगा देंगे। ये देखिए ये बी लिख दिया हूँ, तो यहाँ बी के साइड में पूरा चैनल इस तरीका से ये सब लगेगा। तो फ्रेंड जैसे आप ये देख रहे हैं ये जो लेडर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये सामने वाले जो हमारा प्लेटफॉर्म का जो कॉलम है मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे लेडर आ जाएगा क्योंकि उसमें साइड व्यू दिखाता है, जब वो घूम के आएगा तो वो लेडर जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसमें ये जो दे रहा है ये साइड व्यू है, ये अगर हम ये साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, इसलिए यहाँ पे है, जो अगर इसको अगर हम इसे पलटी कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से साइड व्यू देखा जाता है, पहचान करना पड़ता है कि एक चीज़ की इसमें क्या क्या मिल रहा है, इधर का क्या क्या चीज़ है इसमें, इसमें क्या है, इसी तरीके से देख करके इसको पहचाना जाता है कॉलम का। और ऊपर में जो ये सब देख रहे हैं ये सब रेलिंग लगा हुआ है तो इसमें भी सब नंबर रहता है, ये सब नंबर बाई नंबर बना करके आपको अलग एक ड्राॅइंग इसका अलग आता है बनाने के लिए कि किस तरीका का रेलिंग रहेगा क्या रहेगा, तो इसका एक ड्राॅइंग अलग आता है बनाने के लिए। और इसका जो मटेरियल जो लिस्ट रहता है एक अलग लिस्ट रहता है कि कितना क्या क्या नंबर का क्या क्या मटेरियल रहेगा, चैनल है कि बीम है एंगल है, तो वो सब मटेरियल लिस्ट में सब लिखा हुआ रहता है। इसमें लंबाई लिखा हुआ है इधर 5 मीटर 400 रहेगा, यहाँ देखिए सेंटर से सेंटर दिया हुआ है तो इसके हिसाब से ये माइनस करके उतना मैक्सिमम लेंथ रहता है। और ये जो साइड का जो है 3 मीटर 500 है दोनों,
देखिए ये भी 3 मीटर 500, ये भी 3 मीटर 500, और ये बैक साइड का है 5 मीटर 400, और ये फ्रंट साइड का जो दे रहा है 5 मीटर 400, दोनों सेम ही है। तो ये सब जो जितना है आप देख रहे हैं ये सब पाइप का सपोर्ट रहता है, साइड प्लेटफॉर्म है, पाइप सपोर्ट है, ये टॉप का प्लेटफॉर्म है। टॉप का व्यू अलग ड्राइंग में दिया होगा एक, लेकिन वो ड्राइंग मेरे पास है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं। ये भी जो डाउन हुआ है ये एक पाइप का सपोर्ट है, और यहाँ पे देखिए इतने दूर का कटिंग करके डिटेल वन जो लिख दिया है, ये देखिए ये डिटेल वन, तो यहाँ पे किस तरीका का ये सब रहेगा, कितनी दूरी पे लगाना है ये वाला पाइप का सपोर्ट जो है, कोई यहाँ पे डायमेंशन लिख दिया है, सेंटर से कॉलम के सेंटर से 710 पिप को पहला बीम डाउन होगा, और फिर दूसरा बीम 450 पे डाउन करना है, और इसका जो हाइट रहेगा बीम से डाउन में तो वो टॉप से लेके इसके टॉप तक 731 यानी कि 731 mm रहेगा। ये डिटेल लिख दिया है किस तरीका से लगाया जाएगा, यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा है, डिटेल इसका यहाँ अलग दे दिया है किस तरीका से लगाना है। यही सब नंबर देख करके लगाया जाता है, एक एक इरेक्शन करना है तो ये सब नंबर देखेंगे, ये सब नंबर देख करके एक एक चीज को इरेक्शन किया जाता है। इसमें एलिवेशन ही मेन इंपोर्टेंट रहता है, एलिवेशन स्ट्रक्चर में नर्थिंग ईस्टिंग इसमें उतना नहीं रहता है, सिर्फ कॉलम का रहता है नर्थिंग ईस्टिंग, और बाकी चीज का सब नंबर बाई नंबर लगता है। पाइपिंग में है कि एक एक चीज का नॉर्थिंग ईस्टिंग रहता है, इसमें नॉर्थिंग ईस्टिंग नहीं रहता है, सिर्फ एलिवेशन रहता है पूरा मटेरियल का, सिर्फ ये जो कॉलम जो खड़ा होता है उसका नॉर्थिंग ईस्टिंग रहता है, वो भी सिर्फ मेन ड्राइंग में डिटेल ड्राइंग में नहीं आता है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा इस तरीका से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीका से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।